का है, ये पांच तरह के हैं। एक तो अजोटोबैक्टर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको जड़ों तक पहुंचाता है। एक पीएसबी फॉस्फोरस घोलक जो हमारी ज़मीन में फॉस्फोरस पड़ा है, आपको पता होगा आप एक कट्टा जो डालते हो ना फॉस्फोरस का, उसमें 40% P2O5 40 किलोग्राम 100 किलो में 40 किलो फॉस्फोरस होती है। एक एक कट्टे में 23 किलो फॉस्फोरस होती है और वो मुश्किल से 5-6 किलोग्राम भी फॉस्फोरस आपकी फसल में लगती है, बाकी वो ज़मीन में पड़ी रहती है। तो उस पीएसपी का क्या काम क्या है, 5 किलो तो वो लगेगी, उसके अलावा 5 किलो और जो आपकी फॉस्फोरस ज़मीन में पड़ी है उसको घोल के आपकी फसल की जड़ों तक पहुँचाता है। ऐसे ही पोटास का है, पोटास घोलक, जो आपकी ज़मीन में पोटास पड़ा हुआ है उस पोटास को घोल के और जड़ों तक पहुँचाता है। ऐसे ही जिंक का है, जिंक आप यदि 100 रुपये का डालोगे तो 2 रुपये का जिंक आपकी फसल में लगता है, बाकी आपकी ज़मीन में पड़ा रहता है। वो जो जिंक का घोलक है, ऐसे ही 5 तरह के हैं, उसको आप डालोगे तो उसकी जो है बढ़ेगी प्रतिशत, ज़्यादा लगेगा जिंक आपका। जो 100 रुपये में से 2 रुपये का लगता है वो 10 से 20 रुपये तक आपका जिंक लगेगा। ऐसे ही पोटास का है, और एक जो अपनी दलहनी फसलें हैं उसमें राइजोबियम आता है। ये 5 तरह के हैं। इनका तरीका क्या है लगाने का, 40 किलोग्राम गेहूं का बीज और आधा लीटर बायो फर्टिलाइजर जीवाणु खाद ये जो होता है उसको आप मिला के रात को सुखा के बिजाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है 10-20 किलो गोबर, थोड़ी सी नमी हो उसमें आधा लीटर छिड़क दो, 2-4 दिन वो गोबर पड़ा रहने दो। बिजाई के समय जब बिजाई करोगे वो गोबर अपने खेत में छिड़क दो। उस टाइम भी आप ना कर सकते हो तो नाके पे आप इसमें थोड़ा सा सुराख करके जहाँ पानी दे रहे हो वहाँ छोड़ सकते हो। इसका काम है ज़मीन में करोड़ों की संख्या में, 1 ml में करोड़ों की संख्या में जीवाणु होते हैं। तो ये तो था बायो फर्टिलाइज़र का। पोटास का क्या काम है, पोटास आपकी फसल में चमक दाने में मोटा, और पोटास का मेन काम आजकल जो है ना ये हार्ट अटैक की बीमारी आती है, सबसे पहले पोटास का टिक्का हॉस्पिटल में लगाते हैं, तो पोटास बहुत ज़रूरी है। जिंक का जो काम है, आजकल छोटे बच्चों को थोड़ा सा कुछ कह दो तो वो थोड़ा तिड़क के पड़ेंगे, गुस्सा बहुत है, वो जिंक की कमी है। आजकल हमारे जो नए खाद और भी आ रहे हैं वाटर सोल्यूबल, जो जल में घुलने वाले 100% जल में घुलने वाले खाद हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊँगा। एक है 17-44-0, इसमें 17% नाइट्रोजन और 44% फॉस्फोरस। जैसे DAP में 18-40 होता है, ये एक तरह का DAP है, इसका स्प्रे होगा, वैसे नहीं डालना। ये इसका स्प्रे कब होगा, गेहूँ में पहले पानी के बाद जब पत्ते हो जाए खेत में, 1 किलोग्राम 17-44 और 100 लीटर पानी यानी 8 टंकी पड़ेंगी, 30 दिन बाद ये डालना है आपने। उसके बाद एक आता है हमारा ऐसा ही NPK 18-18-18, उसमें 3 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास। ये जो पहला डालोगे उससे 30-35 दिन बाद 1 किलोग्राम 18-18 और 100 लीटर पानी। तीसरा आता है हमारा एक 0050, उसमें अकेला पोटास होता है, वो कब डालना है, जब आपकी फसल गाभे में आ जाए, बालियां बननी शुरू हो जाएं, उस टाइम पोटास की फसल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब दाना पकता है, तो उसकी 1.5 किलोग्राम और 150 लीटर पानी। इन तीनों में आप ये 250 ml सागरिका, तीन बताए ना तीन बार, इसमें 250 ml सागरिका और मिला लो, तो थोड़ा सा पानी 1 किलोग्राम 17-44 250 ml सागरिका 150 लीटर पानी, 10 टंकी हो जाएंगी। फिर ये तीनों अवस्था में आप ये सागरिका मिला सकते हो। ये सागरिका ऑर्गेनिक है, जो हमारे समुद्र में काई होती है उसका जूस है ये, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो कम से कम आप जो अपनी पशुओं के लिए चारा उगाते हो बरसीम जैसे बोओगे, बोने के बाद जब पत्ते हो जाएं उसमें, तो इसका ज़रूर अपने स्प्रे यूरिया मत डाला करो, क्योंकि इसमें 14 न्यूट्रिएंट हैं इसमें। वही आपकी भैंस खाएगी, वो दूध पियोगे तो उसमें ताकत आएगी, यूरिया मत डालना। ये अपना ज़रूर आप डाल के देखना, बहुत बढ़िया पुटाव होगा और बहुत बढ़िया पैदावार उसकी आएगी। इसमें दानेदार भी है सागरिका में, वो 10 किलोग्राम आप पहले पानी के बाद डाल सकते हो। कोई भी फसल हो सागरिका, आप किसी भी फसल में डाल सकते हो, सब्जी वाली हो, गन्ना हो, धान गेहूँ, फल वाली है, अमरूद है, आम है, किसी में भी आप उसका स्प्रे कर सकते हो।
तो ये तो थे। अब आप गेहूं की बिजाई करोगे, सबसे ज्यादा ये स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट है, ये चौड़ा पत्ती वाला हो चाहे बलूरी हो, जई बलूरी हो, सब पे रोकथाम करेगा। और उगने के बाद अगर आप डालते हैं तो लगभग 3-4 पत्ती की अवस्था में, एक ये दवाई है अपनी कोकोरो, इसका आप 1 से 1.5 पैकेट का मतलब पूरे किले पे स्प्रे करोगे उगने के बाद की, जब 3-4 पत्ती की अवस्था हो बलूरी की, आप इसका स्प्रे उससे कर सकते हो। चौड़ी पत्ती के लिए भी है, चौड़ी पत्ती के लिए एक मोकोटो ये है, दोनों का एक साथ मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। लगभग 3-4 पत्ती की अवस्था में होना है इनका स्प्रे। और उगने से पहले मैंने ये जो बताई है जाक्यामा, ये जाक्यामा है, 1 से 1.5 लीटर प्रति किले के हिसाब से आप पूरे किले पे बिजाई के दौरान, बिजाई के तुरंत बाद ही कर दो या फिर उससे अगले दिन कर दो, शाम के टाइम करना है, जिससे कि कुछ तो नमी ज़मीन की रहेगी, कुछ आप 200-250 लीटर पानी लोगे और कुछ ओस की नमी रहेगी, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी। तो इसमें और कुछ गेहूँ में और कुछ समस्या हो आपकी, आप पूछ सको।